नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं टेक इंडिया टेक रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में वन प्लस नॉट का 8 प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। फ्रेंड, अगर आप वन प्लस नॉट खरीदने वाले तो वीडियो को लास्ट तक जोड़ से देखना। फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। फ्रेंड, डिवाइस का फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते तो आपको 5G नेटवर्क। फ्रेंड, डिवाइस में आपको स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर मिल जाता है, जिसमें कि आपको 5G मॉडेम का सपोर्ट मिल जाता है। फ्रेंड, आप सभी बोलेंगे 5G का सपोर्ट मिलता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? रुको जरा, सबर करो। फ्रेंड, इंडिया में 5G नेटवर्क आने में अभी 1 से 1.5 साल तो लग ही जाएगा, और किसी को नहीं मालूम 5G का बैंड में, कौन सा बैंड में 5G आएगा, किसी को नहीं मालूम कौन सा बैंड फ्रिक्वेंसी में 5G रन करेगा। OnePlus Nord में आपको N78 बैंड मिल जाता है, जो 3.5 GHz बैंड फ्रिक्वेंसी में काम करता है। अगर इंडिया में इस बैंड फ्रिक्वेंसी में 5G नेटवर्क आता है तो आप डाउनलोड अपलोड स्पीड जरूर चेक कर पाएंगे और 5G को यूज़ कर पाएंगे इजीली। अगर नहीं आता है तो 5G रहते हुए भी 4G नेटवर्क आपको यूज़ करना पड़ेगा। फ्रेंड, सेकेंड प्रॉब्लम की बात करते तो परफॉर्मेंस। डिवाइस में आपको स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर मिल जाता है। प्रोसेसर आपको 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में मिल जाता है। प्रोसेसर का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड की अगर बात करते 2.4 GHz में क्लॉक्ड है। प्रोसेसर में आपको एड्रिनो का 620 GPU मिल जाता है। इस प्रोसेसर से आप एवरेज क्वालिटी का गेमिंग कर पाएंगे। फ्रेंड, अगर आप स्नैपड्रैगन का 765G न्यू प्रोसेसर है और 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिल जाता है, यही देख के आप अगर ये फ़ोन को खरीदना चाहते हैं तो सही है। लेकिन आप अगर ट्रू गेमर हो, गेमिंग के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हैं, हाई क्वालिटी में गेमिंग करना चाहते हैं, तो फ़ोन आप ना देखें, स्नैपड्रैगन का 855+ वाला फ़ोन को आप जरूर से चेक करें। जैसे कि रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम को जरूर से चेक करें, जो अंडर 30,000 बजट में आता है। फ्रेंड, थर्ड प्रॉब्लम की बात करते तो 6GB RAM 64GB फिटेन नॉट अवेलेबल नाउ। फ्रेंड, आपको अगर 6GB RAM 64GB फिटेन यूज़ करना है, जो 25,000 करीब आता है, फ्रेंड वो आपको अभी फिलहाल सेल पे नहीं मिलेगा। सितंबर से उसका सेल स्टार्ट होगा। सितंबर से कंफर्म मिलेगी या नहीं मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फ्लैश सेल में आएगा। और अभी फिलहाल 28,000 में जो वन प्लस नॉट का बेस वेरियंट है 8GB RAM 128GB ROM के साथ है, वो फिलहाल अभी सेल में आ रहा है। जो आपको अगर 8GB RAM 128GB वेरियंट लेना है तो उसे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन 64GB वेरिएंट और 6GB RAM वेरिएंट मिलेगा या नहीं मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। फ्रेंड, लिस्ट के फोर्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं, नो टेलीफोटो लेंस। वन प्लस नॉट का कैमरा सेटअप की अगर बात करते हैं, आपको रियर मतलब क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। 48 MP का प्राइमरी कैमरा, सोनी MX586 सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का मैक्रो कैमरा। फ्रंट की तरफ को 32+8 MP का सोनी MX616 कैमरा सेटअप प्लस मिल जाता है। अगर 5 MP का डेप सेंसर नहीं देखे, 13 MP या 8 MP का टेलीफोटो लेंस देता तो ज़्यादा अच्छा था। अंडर 20,000 बजट में रियलमी 6 Pro में आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। टेलीफोटो लेंस सिर्फ जूमिंग के काम में नहीं आता है। फिर अगर आप टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट शॉट को क्लिक करते, नॉर्मल जो प्राइमरी कैमरे से पोर्ट्रेट शॉट क्लिक करते, उससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी आपको टेलीफोटो लेंस पर देखने को मिल जाता है। टेलीफोटो लेंस का आउटपुट बहुत ही अच्छा था, हाई क्वालिटी का आपको फोटो क्लिक करते हैं। फ्रेंड, आपको टेलीफोटो जूम लेंस के बारे में क्या लगता है, देना चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट में बताएं। फ्रेंड, डिवाइस का फिफ्थ प्रॉब्लम की बात करते तो नो मेमोरी प्लस स्लॉट। फ्रेंड, डिवाइस में आपको हाइब्रिड डेडिकेटेड कोई भी सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। डिवाइस में आपको ओनली 2 SIM कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है। फ्रेंड, अगर आप 6GB RAM 64GB ROM के साथ है जो वेरियंट को परचेस करते हैं, तो आपको 64GB स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है, जिसका डिवाइस में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अगर 128GB वेरियंट को परचेस करते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। फ्रेंड, डिवाइस का सिक्स प्रॉब्लम की बात करते हैं तो UFS 2.1 स्टोरेज टाइप, नो UFS 3.0। फ्रेंड, डिवाइस में आपको UFS 2.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, जो अगर 64GB वेरिएंट के साथ अगर प्रोवाइड करता तो सही है। अगर आपको जो वेरिएंट देखने को मिलता है, जैसे कि 128GB 256GB वेरिएंट देखने को मिल जाता है, वो आपको 28,000-30,000 प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में अदर कंपनी आपको UFS 3.0 स्टोरेज टाइप प्रोवाइड करते हैं। अगर OnePlus भी अगर इस प्राइस रेंज में 128GB 256GB वेरिएंट में UFS 3.0 प्रोवाइड करता है, ज़्यादा अच्छा था। बिना UFS 3.0 स्टोरेज टाइप के OnePlus Nord को आप मिड रेंज फ्लैगशिप नहीं बता सकते। फ्रेंड, डिवाइस का सेवन प्रॉब्लम की बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको डिवाइस में एक ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, डुअल कॉन्डिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन में मिल जाता है। लेकिन डिवाइस में आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाता है। अगर मेटल या एल्यूमिनियम का फ्रेम होता तो ज़्यादा अच्छा था। फिर आप 28,000-30,000 में आपको अगर फ़ोन खरीद रहे तो आपको प्लास्टिक का अगर फ्रेम मिलता है तो आपको इस बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट में बताएं। फ्रेंड, एट प्रॉब्लम की बात करते तो आपको डिवाइस में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड, वन प्लस नॉट की बात करते हैं, ये मिड रेंज फ्लैगशिप फ़ोन है।
इस प्राइस रेंज में आपको सभी डिवाइस में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, अदर कंपनीज प्रोवाइड करते हैं। वन प्लस नॉट भी अगर प्रोवाइड करता वन प्लस तो ज़्यादा अच्छा था। फ्रेंड आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में बताएं। फ्रेंड आपको वीडियो कैसे लगा, वन प्लस नॉट के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। फ्रेंड आपको कौन सा प्रॉब्लम सही लगा और कौन सा प्रॉब्लम सही नहीं लगा, आपके हिसाब से कौन सा सही है कौन सा नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ऐसे टाइप का मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।